लेकिन थोड़ा चौंकाने वाला है। तो एनीवेज जीत हार तो लगी रहती है, डेमोक्रेसी है, लोकशाही है, और इसमें कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, विवाद उठ हो रहे हैं, खासतौर से इलेक्शन कमीशन को लेकर भी। तो अभी संवाद होगा, इस पर विमर्श होगा, और मुझे लगता है कि लोकशाही में देश की कोई भी संस्था जो है ना वो स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र उस तरीके से नहीं है, और मैं ये कह रहा हूँ कि ऑडिटिंग से परे नहीं है। समीक्षा सब संस्था की हो सकती है, और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने पिछले दिनों व्यवहार किया, राहुल गांधी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए एक ही यार्ड स्टिक होना चाहिए था, लेकिन दो दिन के अंदर यार्ड स्टिक बदल जाना ये अपने आप में एक सवाल खड़े करता है। बहरहाल ये सब चलता रहेगा, लेकिन ये है कि बीजेपी जीत गई है टेक्निकली, तो उनको 27 तारीख को जिग्नेश ने निर्णय लिया था कि चुनाव लड़ूंगा, और 2-3 दिन तो ऐसे निकल जाते हैं नॉमिनेशन के बाद। और आप सोच लीजिए कि एक हफ्ते के अंदर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, और एक हफ्ते के अंदर जो आप भीड़ देखेंगे मेरे टाइमलाइन में, वीडियोज़ देखेंगे कि एक नौजवान साथी और उसके सभा में और शाम में और दिन में जो भीड़ हो रही थी वो अप्रत्याशित थी। और मैं तो एक रिपोर्टर की हैसियत से ही मैं वहाँ मैं काम कर रहा था अपने सोशल मीडिया के थ्रू, और ऐसे भी लोगों से पूछता था कि कौन जीतेगा यहाँ पे, तो एकदम यूनानिमस था कि जिग्नेश मेवानी जीतेगा। हाँ, कि वो जीतेगा, और वहाँ कुछ गड़बड़ी होती तो आप समझ लीजिए कि मतलब गड़बड़ी होता, तो ये तो अप्रत्याशित है कि वहाँ मतलब जीतना उसका तय था। तो जिग्नेश को विशेष धन्यवाद, शुक्रिया और बधाई, और साथ में जो बडगाम है उसकी जनता को बधाई, जिस तरीके से उन लोगों ने काम किया, जिग्नेश के पास पैसे नहीं थे, और हम वहाँ के लोग स्थानीय लोगों ने जिग्नेश के लिए खाना, हम लोग गए थे, हम लोगों को खाना खिलाना, रखना, गाड़ी का इंतजाम तमाम वहाँ के स्थानीय लोगों ने, मैंने तो देखा, मैं हतप्रभ रह गया देखकर कि सुबह लोग आ जाते थे काम धाम छोड़ के, अपना व्यवसाय छोड़ कर, और रात तक 10-11 बजे तक वहाँ पर बैठे रहते थे, कंटिन्यू किया, फिर रात में आए तो खाना खा के फिर चर्चा चली। तो ये बड़ा अद्भुत था, बड़ा बेहतरीन था। और मैं और भी जो भारत भर के जो एक्टिविस्ट साथी हमारे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रदीप नरवाल और मोहित पांडे तमाम साथी वहाँ पर थे, और खालिद भाई थे हमारे साथ, फिर नदीम थे, और इसके अलावा साउथ इंडिया से लोग आए थे, महाराष्ट्र से लोग आए थे, हरियाणा से लोग गए थे, दिल्ली से लोग गए थे, और उन सभी साथियों का आभार जिस तरीके से उन्होंने काम किया है पूरा 24 घंटे 24/7, बिकॉज हाँ टाइम कम था इसलिए काम ज़्यादा करना था, 24/7 साथियों ने काम किया है, तो उन सबको धन्यवाद बधाई, सब इसके हकदार हैं। प्रोफेसर साहब, ये कि जो अभी जिग्नेश मेवानी की जो जीत हुई है, आप लोगों ने सबको वहाँ की जनता को भी धन्यवाद दे रहे हैं। सर, बहुजन से जो कैंडिडेट जीत के आते हैं, अब एक दलित शब्द तो अब हटा ही रहे हैं, और दलित शब्द पर बहुत बड़ी चर्चाएँ हो रही है, तो दलित शब्द और बहुजन को लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, जिग्नेश मेवानी की जीत जो है वो ऐतिहासिक है, और इसलिए ऐतिहासिक है कि वो भारत की राजनीति में जो जेनरेशनल शिफ्ट है उसका वो प्रतिबिंब है, जेनरेशनल शिफ्ट हो रहा है, खासतौर से अगर आप बोलेंगे बहुजन राजनीति में, तो बहुजन राजनीति में जेनरेशनल शिफ्ट हो रहा है, फर्स्ट जेनरेशन एक्टिविस्ट है, और आप जानते हैं कि राजनीति में जिस तरह से चमचागिरी और मुंह पे लोग दही जमा के बैठते हैं, फायर ब्रांड एक्टिविस्ट जो कि खुलकर दलित ऊना के कांड में सामने आया, तमाम जो माइनॉरिटीज के खिलाफ एट्रोसिटीज हैं उनके खिलाफ आया बाहर, किसानों के मसले पे, मजदूरों के मसले पे अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, और तमाम ऐसे मुद्दों पर खुल के उन्होंने अपनी बात रखी, और ऐसे लोग फायर ब्रांड लोग और ज़्यादा एग्रेसिव बोलने वाले लोग को जनरली लोग समझते हैं कि लोग चुनाव हमें हरवा देते हैं, लेकिन वहाँ पे लोगों ने इतना ज़बरदस्त समर्थन दिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो कोई कहीं से आया नहीं, पहला जनरेशन है, और इसलिए पूरा पॉलिटिक्स का ग्रामर चेंज हो रहा है, पॉलिटिक्स का व्याकरण चेंज हो रहा है, और हम लोग की नज़र, क्योंकि देश में जो हालात बनते जा रहे हैं, ख़ासतौर से जो प्रेजेंट रिजीम है उनके द्वारा जिस तरह से रेन ऑफ टेरर और दलित मुस्लिम तमाम को पीटा जाना, रोज़गार ख़त्म किया जाना, किसानों की दुर्दशा, मजदूरों की दुर्दशा, और तमाम जो जो मसले हैं उस पर आगे भविष्य में एक लंबी राजनीति के लिए हम लोग की निगाह जो युवा एक्टिविस्ट हैं ख़ासतौर से बहुजन जमात के और प्रोग्रेसिव फोर्सेस, वो विश्वविद्यालयों में, सामाजिक संगठनों में, बिहार में,
पटना में, लखनऊ में, दिल्ली में, हरियाणा में और जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं गुजरात में, तमाम जगह एक नज़र है कि जो लोग ऐसे फायर ब्रांड लोग हैं उन लोग को इकट्ठा, चंद्रशेखर है, भीम आर्मी के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग, जो हिंदी बोलने वाले लोग, जो अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग, जो ज़मीनी हकीकत जानते भी हों, जो लेख लिख सकते हैं, जो मुद्दों को समझ सकते हैं, वैसे लोगों को राजनीति में लाने की प्लानिंग है। सर, अभी ये माना जाए कि अब जो बहुजन का युवा है उन्होंने इस देश की व्यवस्था को देख लिया और वो खुद अपने आप आगे बढ़कर ये राजनीति में आ रहे हैं। जाहिर है, आप पिछले 3 सालों में देखिए, चाहे हैदराबाद का मसला हो, ऊना का मसला हो, पटना में छात्रों की छात्रवृत्ति बंद किया जाना हो, उन पर लाठीचार्ज हो, या फिर चंद्रशेखर का मसला हो, या फिर लखनऊ में छात्रों के साथ जो बेइज्जती हो रही थी वो मसला हो, JNU हो, दिल्ली विश्वविद्यालय हो, तो अब जब स्थापित नेता जब इन मुद्दों पे मौन रहेंगे, मौनी बाबा बनेंगे, चुप रहेंगे, तो जाहिर है कि सवाल करने वाले इतिहास और समाज के गर्व से नेतृत्व पैदा होता है, आंदोलन से नेतृत्व पैदा होता है। टिकट लेके आप MLA MP बन सकते हैं, लीडर बनना दूसरी बात है। तो मुझे लगता है कि अब जो है ना जनरेशन, में मैंने कहा कि जनरेशन शिफ्ट है और पूरा आप देखेंगे कुछ वर्षों में, 5 से 10 वर्षों में पूरा ग्रामर पॉलिटिक्स का चेंज होगा। और जब नेता नहीं, जब विपक्ष की भूमिका निभाता, आवाज़ उठाता, तो समाज उठाता है और समाज नेतृत्व दे रहा है। सर, जिग्नेश मेवानी जी आप निर्दलीय जीत कर आए हैं, तो जिग्नेश मेवानी का किसी पार्टी को ज्वाइन करना होगा या मतलब वो स्वतंत्र ही वो समाज की लड़ाई लड़ेंगे? फिलहाल तो स्वतंत्र ही लड़ेंगे समाज की लड़ाई। और एक जिग्नेश मेवानी को बधाई है और साथ साथ उनकी अग्नि परीक्षा अब शुरू होगी, क्योंकि उनसे देश के तमाम नौजवान जुड़े हुए हैं और उम्मीद भी हैं। नौजवान, किसान, मजदूर, तमाम वंचित जमात के लोग उनसे एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जिग्नेश हो सकता है कि देश में कोई बड़ा आंदोलन की सूत्रपात करे। हम लोग टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथी हैं और हम लोग बातचीत करते रहते हैं। तो ये बड़ी चुनौती भी है कि उनको जो है उनकी अपेक्षाएं, लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है, और मैं आश्वस्त हूँ कि जिग्नेश इन अपेक्षाओं पर खड़ा उतरेंगे, क्योंकि वो विधानसभा उनके लिए सुविधा नहीं, अवसर है, एक मंच उनको मिला है। और उस मंच पर जाके फिलहाल तो गुजरात की जनता के जो तमाम जो जनवादी मुद्दे हैं, चाहे मजदूरी, किसान और तमाम आरक्षण का मसला हो, चाहे अल्पसंख्यक हम लोग का मसला हो, वो आवाज़ उस स्वर को बुलंद करेंगे और गुजरात के तमाम जिलों में घूमेंगे और लोगों को मोबिलाइज करेंगे। उसके साथ साथ देश में जितने भी इस तरह के छिटपुट आंदोलन हो रहे हैं, उम्मीद है कि उन आंदोलन को जोड़ कर एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर एक मोर्चा बनाया जाए। माना जाए कि अब जो जिग्नेश मेवानी है वो एक बहुत बड़ा, एक कहते हैं कि एक ब्रांड एम्बेसडर बन गए पूरे भारत के लिए। वो ब्रांड एम्बेसडर नेता हर समय, जो नेता हर समय कार्यकर्ता होता है वही नेता सफल होता है। और ब्रांड एम्बेसडर उस तरह से हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे साथी, हम लोग सब कार्यकर्ता हैं उनके, और ठीक है, हमारे आइकन है, एक सिंबल है हमारे। और हमें तो जिग्नेश मेवानी जैसे, मैं बार बार कहता भी हूँ कि एक रतन लाल, एक जिग्नेश मेवानी नहीं चाहिए, इस देश में हज़ारों जिग्नेश मेवानी चाहिए। कोने कोने से जब जिग्नेश मेवानी और ऐसे लोग जब एकत्रित होंगे, तब जाके माहौल बनेगा। तो लीडर कौन बड़ा होता है? जो लीडर अपने नेतृत्व को अपने आप को रेप्लिकेट करे, अपने जैसा लोग बनाए, वही लीडर बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि जिग्नेश में वो कैपेबिलिटीज है, वो क्षमता है कि वो अपने जैसे लीडर्स बनाएंगे। माना जाएगा कि मतलब वो जिग्नेश मेवानी, आपने जैसे बोला कि हमारे दोस्त हैं, हमारे नेता हैं, तो वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे और स्वतंत्र तरीके से ही अपनी बात को बुलंद करेंगे। सर, इनकी बातों के अंदर जैसे बहुजन है, क्या बाबा साहब का भी जिक्र आएगा कभी? क्यों नहीं आएगा बाबा साहब के? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को तो वैसे लोग भी सलाम कर रहे हैं और नमस्ते कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, जो बाबा साहब के सिद्धांतों के घोर विरोधी हैं, गले में माला और विचारों पर ताला। और तो जिग्नेश क्यों नहीं बोलेंगे? उन्हीं मुद्दों पे, उन्हीं इश्यूज़ पे, उन्हीं विचारधारा पर उन्होंने पूरा आंदोलन खड़ा किया है। तो जाहिर है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे आइकन तो हैं, और ऐसे तमाम दुनिया भर के महापुरुष जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए सिद्धांत दिए हैं, जिन्होंने विचार रखे हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने शहादत दी है, वो सब हमारे आइकन हैं, फूले हमारे आइकन हैं। बहुत तमाम तरह के लोग, गौतम बुद्ध आइकन होंगे और काशीराम जी आइकन होंगे, कर्पूरी ठाकुर आइकन होंगे,
कुरियार आए कोने में, तमाम ऐसे और दुनिया में और भी जगह की जिन लोगों ने सामाजिक परिवर्तन की आवाज़ बुलंद की है वो हमारे आइकन हैं, बाबा साहब विशेष रूप से। हमारे बीच में प्रोफेसर रतन लाल जी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि जो आज मेवानी जिग्नेश मेवानी की जो जीत हुई है एक ऐतिहासिक जीत हुई है। अब गुजरात जैसे क्षेत्र जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था उस गढ़ के अंदर अपनी एक सेंध लगा दी और वहाँ से विधायक चुनकर आ चुके हैं और वो अपनी बात, अभी हमने बाबा साहब की भी बात पूछी कि बाबा साहब को कितना आगे लेके चलेंगे, तो अब प्रोफेसर रतन लाल जी ने बोला उन्होंने बोला है कि बिल्कुल बाबा साहब की आइडियोलॉजी पर काम करेंगे, जैसे और भी जो हमारे महापुरुष हैं उन्हीं की जो आइडियोलॉजी पर काम करेंगे। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज उत्पल।